केजरीवाल एक महाबेईमान, भ्रष्ट, चोर, लुटेरे, झूठे और अपने बयान से बदलने वाले गिरगिट से भी ऊपर की प्रजाति के एक जीव हैं। देखो डर तो है क्योंकि वो ना जनता को लालच देके अपने फेवर में वोट कर रहे हैं, जैसे बिजली का बिल माफ करना और जैसे शराब के रेट भी एक के साथ एक फ्री, क्योंकि जहां लालच होगा वहां काम अच्छा कभी नहीं होगा। कुल मिला के शराब घोटाला हुआ है, केजरीवाल का नाम आया है तो ये डर रहे हैं। और किया किसने है? शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि केजरीवाल के राइट हैंड है, उसने अपने गुरु अरविंद केजरीवाल को भी लटका दिया। अब मुझे ये भविष्य में लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बनके पेश ना हो जाए मनीष सिसोदिया। जब आप स्कूल में पढ़ते थे और जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आता था तो क्या आप टीचर से ये कहते थे, ओए क्वेश्चन पेपर शीट मेरे घर भेज दिया, आंसर मैं भेज दूंगा तुझे, ऐसा कहते थे क्या? ये केजरीवाल किस कल्चर को जन्म देना चाहते हैं? ये भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं ईडी, उससे क्वेश्चन कर रहे हैं कि मुझे लिखित में दो, मैं लिखित में जवाब दूंगा। ये सुप्रीम कोर्ट ये सब ऐसे ही बने हुए हैं क्या? अरे तुम भी जाओ मनीष सिसोदिया की तरह, तुम भी जेल जाओगे ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा? या तो छूट जाओगे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू की तरह बेल पे घूमोगे, और क्या होगा? नहीं तो संजय सिंह की तरह जमानत के लिए दर दर ठोकरे खाओगे। कुल मिला के शराब घोटाला हुआ है, केजरीवाल का नाम आया है तो ये डर रहे हैं कहीं मेरे साथ भी वही ना हो, क्योंकि घोटाला तो इन्होंने भी किया है। शराब पॉलिसी मोहन जी वापस लेने का मतलब है कि कुछ ना कुछ झाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। और किया किसने है? शराब मंत्री मनीष सिसोदिया, जो कि केजरीवाल के राइट हैंड है। और एक बड़ा खुलासा आपके चैनल खबर इंडिया के माध्यम से कर दूं कि अरविंद केजरीवाल वो शख्स हैं जिन्होंने कहा मैं ईमानदार हूं, मैं कट्टर ईमानदार हूं, हमारी ईमानदार पार्टी है, लेकिन एक भी मंत्रालय नहीं लिया। सिग्नेटर अथॉरिटी किसकी? 18 मंत्रालयों में मनीष सिसोदिया की। स्वास्थ्य मंत्रालय सत्येंद्र जैन के पास, और कुछ गिने चुने लोगों को मंत्रालय दिया गया जो कर रहे हैं छोटे मोटे गबन। बड़े गबन जिसने किए 18 मंत्रालय वाले, तथाकथित शिक्षा मंत्री, असली शराब मंत्री मनीष सिसोदिया ने, उसने अपने गुरु अरविंद केजरीवाल को भी लटका दिया। अब मुझे ये भविष्य में लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह बन के पेश ना हो जाए मनीष सिसोदिया, क्योंकि वो भी फ्रस्ट्रेट हो गए, उनको भी जमानत तो मिल नहीं रही है। तो अब समय आ गया है अरविंद केजरीवाल का जेल के अंदर रह के अंतिम सांसें लेने का, क्योंकि वो वहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन एक समय था कि जिस समय जो है जब अन्ना हजारे का जो है एक प्रेशर ग्रुप बनाने का एक मूवमेंट चल रहा था, उस समय जो है यही केजरीवाल जी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है एक सिक्के के दो पहलू हैं, और वे संवैधानिक संस्थाओं ईडी, सीबीआई और इन तमाम संस्थाओं को कहते थे ये केवल दिखाने के लिए है, ये कार्रवाई क्यों नहीं करते, आकंठ जो है ये राजनेता जो लोकपाल बनेगा तब करेंगे। तो 10 साल हो गया भाई, तुम्हारी सरकार को 3 बार सरकार बन चुकी है, पूर्ण बहुमत का राज्य है तुम्हारे पास पंजाब, वहाँ जन लोकपाल बिल बना लिया, ईडी और सीबीआई से ऊपर एक संस्था बना रहे थे ना जन लोकपाल, क्या हुआ उसका? खत्म, ओके टाटा बाय बाय, खत्म गया। अब वही ईडी इनको बुलाती है तो आते नहीं है, और जन लोकपाल बिल ये लाते नहीं है, इंटरनल लोकपाल इनसे बनाया नहीं गया, स्वराज मॉडल इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं करा दिल्ली में। केजरीवाल एक महाबेईमान, भ्रष्ट, चोर, लुटेरे, झूठे और अपने बयान से बदलने वाले गिरगिट से भी ऊपर की प्रजाति के एक जीव हैं, और इस व्यक्ति का जेल में जाना जरूरी है जिसकी एक महत्वाकांक्षा है प्रधानमंत्री बनने की। ये मोदी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे वाराणसी से। केजरीवाल को प्रधानमंत्री मैं भी बनते हुए देखना चाहता हूँ। केजरीवाल की पूरी कैबिनेट एक बार तिहाड़ जेल जाए और तिहाड़ जेल में केजरीवाल जी की तिहाड़ जेल के प्रधानमंत्री बन जाए। और एक बात, ईडी बार बार कह रही है आओ ना हवेली पे, पर केजरीवाल जा नहीं रहे। पर मेरा मानना है जब ये हवेली पे नहीं जा रहे तो ईडी वालों को इन्हीं के घर पे रेड भेज देनी चाहिए और उनको घर से उठा लेना चाहिए, जिस भी बिल में चूहा छुपा है पकड़ के लाएं और इसे जेल में ठोसे। एक ईडी को बताते हैं कि जैसे पूरा गठबंधन ये कह रहा है कि मोदी जी और मोदी जी की सरकार जो है केवल ईडी और संवैधानिक संस्थाओं को जो है एक ये हथियार बना करके और दुर्भावना से जो है उनका प्रयोग कर रही है, तो इस तरह से जो सम्मान भेजे जा रहे हैं, क्या अवमानना का कोई केस नहीं बनता है या अवमानना के अंतर्गत जो है आखिर में अगर एक साधारण आदमी अगर इन संस्थाओं से हटके जाता है तो उन पर कार्रवाई होती है, लेकिन ये जो आदर्श बताते हैं जो लोगों के आइकॉन हैं वे लोग इस तरह से जो है कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ, ईडी और सीबीआई की आपको स्थिति स्पष्ट कर लो कि 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार थी, 4000 करोड़ की रिकवरी कर पाई थी ईडी सीबीआई।
लेकिन 2014 से आज 2023 हो गया है, लगभग 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए रिकवर कर चुकी है मोदी सरकार में ईडी सीबीआई। ईडी ने अभी 350 करोड़ कहाँ से पकड़े? धीरज साहू के घर से, पार्थ चटर्जी के घर से कैश पकड़ा 20 करोड़। आप समझो इस बात को, रिकवरी हो रही है कि नहीं हो रही। वहाँ पे एक अनिल देशमुख नाम के एमवीए के जो नेता थे, उन्हें जेल भेजा कि नहीं भेजा? अपना नवाब मलिक जेल गए, उसके अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी बेल पे है ऑलरेडी, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जेल जा रहे हैं। तो उन पे प्रश्न मत उठाओ, कोर्ट से बात करो, तुम्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही? बड़ी बात ये है, जो शराब घोटाला हुआ था, ये शराब की जो दुकानें खुली थी उसमें कुछ जो है जानकारी चाहिए। वो क्यों बस उनका है कि मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगा, वो पूरी चैन है। अगर एक एक ही व्यक्ति का नाम आता है तो सभी व्यक्ति के एक के साथ एक सबका नाम खुलता जाएगा, सभी के लिंक है, इसीलिए थैंक यू। संवैधानिक संस्थाओं का जो है ये उनके ऑर्डर का पालन नहीं करना, वो क्या मैसेज जाता है? क्योंकि वो एक दिन के सरासर गलत है, बिल्कुल डर है उनको। आखिर में अगर उन गलत है कोई, अगर उनके सदुर्भाव है पकड़े जाने का ही है, जैसे साथी अंदर है वो भी कहीं अंदर न चले जाए। सरकार को खतरा है उनकी कहीं सरकार न डगमगा जाए, इसलिए उन्हें खतरा है। आपको लगता है कि उन्होंने घोटाला क्या? वो हर बार कह रहे हैं कि हम तो जो है कट्टर ईमानदार हैं, मोदी जी हमें जो है दुर्भावना से जो फंसाना चाहते हैं, हमसे डर रहे हैं, लोकसभा चुनाव सामने हैं, हमारी पार्टी जो है पूरे देश में जो है देश विदेशों में भी जो है हमारे काम की चर्चा है, ये लोग ये सरकार हमसे डर गई। केंद्र देखो डर तो है क्योंकि वो ना जनता को लालच देके अपने फेवर में वोट कर रहे हैं, जैसे बिजली का बिल माफ़ करना और जैसे शराब के रेट भी एक के साथ एक फ्री, तो लालच है। जहाँ लालच होगा तो वहाँ जनता अपने सपोर्ट में आएगी, क्योंकि जहाँ लालच होगा वहाँ काम अच्छा कभी नहीं होगा, तो यही है बस। लगातार जो है जिस तरह से जो है शराब घोटाला हुआ उसमें कई विसंगतियां हैं, अभी जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें भी कई जो है विसंगतियां हैं, उसमें भी सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि एक कट्टर ईमानदार जो है सरकार देने वाला मुख्यमंत्री इस तरह क्यों भाग रहे हैं? यही है कि कहीं ना कहीं वो इस चीज़ में लिप्त हैं और उनको ये डर है कि जैसे जैसे उनके साथी अंदर बंद हैं, कहीं वो एक बार अगर वो चले गए तो अंदर ही बंदना हो जाए। क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम ये संवैधानिक संस्थाएं जो भी हैं सीबीआई ईडी है उनका दुरुपयोग जो है मोदी जी कर रहे हैं, क्या कानून नहीं है? क्या अगर कोई दुर्भावना से जो है इसका प्रयोग कर रहा है तो क्या कानून नहीं है? बिल्कुल करवाना चाहिए उनको, अगर वो सही है तो उनको डर किस बात का? मेन बात तो यही है, अगर वो सही है तो उनके पास जवाब है। सम्मान भेज दिए उनको अभी तीन अभी भी वो नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ तो बात है कि जो बच रहे हैं।